हजार साल से विकलांग है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, पैर से? पैर से अप्लाई किए थे, सब चीज करके बैठे हैं, कुछ नहीं मिला है। अपना घर वर नहीं है? अपना घर था, कुछ प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गया। बेच दिए? हाँ, अभी भाड़ा पे रह रहे। क्या नाम है? रितेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? गेराबारी। पूर्णिया लोकसभा हुआ? जी हाँ। क्या माहौल है इस बार पूर्णिया लोकसभा? इस माहौल में इस बार हर को देख लिया गया है, संतोष कुशवाहा हो या और उससे पहले हो, सबको देख चुका है। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को इस बार पूर्णिया लोकसभा से निकाला जाए। पप्पू यादव को भी तो देख चुके हैं, तीन बार तो वो भी जीते हैं ना पहले। कोढ़ा लोकसभा से नहीं निकला है वो? लोकसभा से। अच्छा, कोढ़ा तब नहीं आता था? कोढ़ा नहीं, उस समय कोढ़ा नहीं आता था। कोढ़ा किधर था तब? कोढ़ा कटिहार में था। इसलिए इस बार पप्पू यादव ही कोढ़ा लोकसभा से निकलना चाहिए, सांसद पहुंचना चाहिए। क्या पसंद है पप्पू यादव में सर? हर चीज़ पसंद है। बताइए कुछ। गरीबों का मसीहा वो। बिक्री हो रहा है फल वल? जी हाँ, हो रहा है। रेट वेट कैसा है? रेट वेट ठीक है। ठीक है, ठीक है। पब्लिक को शिकायत नहीं है? रेट कोई शिकायत नहीं है, पब्लिक को शिकायत नहीं है। मोदी जी का काम कैसा लगा था? मोदी जी का काम भी ठीक है, एक नंबर मोदी जी का काम है। लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी का उम्मीदवार संतोष कुशवाहा है। हाँ, यहाँ पर मोदी जी तो संतोष कुशवाहा मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है ना, तो पलटू राम के साथ है। ये दिक्कत आ गया। दिक्कत ये बीच में है, वो तो पलटू राम के साथ में और आता है यहाँ, बड़ा बड़ा आदमी के पास आता है, छोटका का बार नहीं देखता है, छोटका को पूछबो नहीं करता, गरीब कैसा है, मर रहा है कि जिंदा है। वोट लेने के समय में आता है, अब वोट के बाद घर में जाकर सूच जाता है। पूर्णिया में यहाँ पूछने तक नहीं आता, गरीब जी रहा है कि मर रहा है। इसलिए नाराज है? बहुत नाराज है। ठीक है, हजार साल से विकलांग है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, पैर से? पैर से अप्लाई किए थे, सब चीज करके बैठे हैं, कुछ नहीं मिला है। पैसा की भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है आज तक। ब्लॉक में दिए नहीं? ब्लॉक में हर जगह देख के बैठ गए हैं, कुछ नहीं मिला है। ट्राई साइकिल वगैरह के लिए कुछ नहीं, सब चीज देख के विधायक को ही बोल के गए, विधायक भी बोल के गया कि देंगे, मगर आज तक विधायक देखने तक नहीं आया। किसको? कविता पासवान? कविता पासवान को घर पे आके बोल के गया। आपका पंचायत बता दीजिए। पंचायत? पंचायत पाँच नंबर वार्ड कोढ़ा। कोढ़ा पाँच नंबर वार्ड। घर पे बोल के गया कि ये चीज देंगे तुमको, मगर आज तक देखने तक नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। परिवार आपका है? परिवार है, एक हम है, एक मम्मी पापा है। अच्छा, तीन लोग का परिवार है? जी हाँ। भाई भाई? भाई कोई नहीं है। शादी आदि? कुछ नहीं है। शादी? तीन लोग? जी हाँ। कमाते वमाते आप ही हैं? जी हाँ, अकेले कमाना है और घर चलाना है, भाड़ा पे रहते हैं। भाड़ा में रहते हैं? जी हाँ। अपना घर वर नहीं है? अपना घर था, कुछ प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गया। बेच दिए? हाँ, अभी भाड़ा पे रह रहे। कितने साल से भाड़ा में रह रहे हैं? भाड़ा पे लमसम अभी हम 25 साल से भाड़ा पे रह रहे हैं। 25 साल? जी हाँ। कितना भाड़ा लगता है महीने का? अभी 1700 रुपया महीना भाड़ा लगता है। जिस समय 150 रुपया में रहते थे, अभी 1700 रुपया महीना भाड़ा दे रहे हैं। इतना कमाई हो जाता है फिर? हो जाता है, क्या करेंगे, नहीं भी होता है तो करना पड़ेगा ना। किससे मांगने जाएंगे, कोई तो देने वाला है नहीं, जो किसी से मांग के किसी से मांगने जाएंगे। लोन भरे 10,000 जो लोन आया, लोन भरे, लोन कैंसिल हो गया, बोला लोन तुम लोग को नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्या बोला? अब ऐसा क्या, कागज जमा किए, कागज वहाँ कहा रद्द गए, बोलो जब पूछने के लिए तो बोलता है रद्द हो गया तुम्हारा कागज। कितना मिला, कितना? मोदी जी तो कहते हैं देश भर के जितने भी छोटे, मोदी जी कहता है यहाँ, मोदी जी का खाने वाला कम नहीं ना है। यहाँ कागज भरा हुआ, दो दो कागज भरे, एक हम अपना भरे, एक मम्मी से भरवाए, मगर बोला रद्द हो गया। तो अपना कारोबार के लिए लोन लेना चाह रहे थे? जी हाँ। 10,000 का? जी हाँ। ग्रुप लोन वगैरह भी चला रहे हैं क्या? नहीं, कोई लोन नहीं।